सबको नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल, अंतों गतवा षड्यंत्र पर विजय पाकर हम लोग पुनः राज्य के विकास के स्टीयरिंग को अपने हाथ में लिया है और बहुत सारे सोच है इस राज्य के प्रति हमारी। यहाँ के आदिवासी, यहाँ के दलित, यहाँ के पिछड़े, यहाँ के अल्पसंख्यक, यहाँ के गरीब, यहाँ के जंगल जमीन साथियों, झारखंड बहुत ही अपने आप में देश में एक अलग राज्य है, एक ऐसा राज्य जहाँ कहने का तो इस राज्य को लोग सोने की चिड़िया कहते हैं, लेकिन बहुत तकलीफ और दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज के दिन में भी इस राज्य के लोग दो वक्त के अनाज के लिए संघर्ष करते हैं, पलायन करते हैं। ना जाने इतने वर्षों से इस राज्य के प्रति चाहे किसी की भी सरकार रही हो, मेरे अनुभव में बहुत संवेदनशीलताएं जो इस राज्य के प्रति सरकारों की होनी चाहिए थी वो नहीं रही। 2019 में आपने हमें राज्य को दिशा देने का जिम्मा सौंपा। सरकार बनने के बाद कोरोना जैसा महामारी आया, आपने देखा, पूरा देश दुनिया लॉकडाउन के चपेट में आ गया। ऐसे स्थिति में पूरा देश का हालत क्या था वो आप सबको मालूम है, हमारे राज्य की भी क्या स्थिति थी आप सबको मालूम है। सीमित संसाधन, स्वास्थ्य का घोर अभाव, डॉक्टर दवाओं की घोर कमी के बावजूद हमने बहुत संवेदनशीलता के साथ कोरोना काल को पार किया। हमारे इस जंग में दो दो मंत्री शहीद हो गए और वो सिर्फ इसलिए कि राज्य की जनता की सेवा ये कोरोना काल में भी घर से निकल के कर रहे हैं। उसके बाद कई राजनीतिक अवरोध सरकार के सामने आते रहे, सरकार को गिराना, विधायकों को खरीद फरोख्त करना, झूठे मुकदमे में फंसाना, एक अजीब सी राजनीति वर्तमान समय में स्थापित हुई पड़ी है। इसका शिकार मैं भी हुआ और इसके वजह से मुझे 5 महीनों तक जेल में रहना पड़ा, लेकिन आप लोगों ने जो आशीर्वाद और ताकत मुझे 2019 के चुनाव में दिया था, उस ताकत के बदौलत हमारी सरकार को खरोच भी आने हमने नहीं दिया, मैं जेल चला गया। आदरणीय चंपाई सोरेन जी को हमने अपनी जगह सौंप कर मैं कोटवार जेल में चला गया और पांच महीने के बाद न्यायालय के आदेश के फलस्वरूप मैं बाहर आ पाया। आज मैं फिर से इस राज्य की दिशा को देने के लिए जो मैंने 2019 में ही संकल्प लिया था वो
उसको पूरा करने के लिए। आपके सामने आया साथियों, पांच साल कई चुनौतियों के साथ हम लोगों ने पार किया, कई जंग लड़े, जंग जीते भी, चाहे वो कोरोना का जंग हो कि चाहे वो राजनीतिक अवरोध हो, चाहे वो राजनीतिक साजिश हो हमारे विपक्ष के द्वारा, उन सब पर विजय पाते हुए आज हम लोग आपके इस लोकप्रिय सरकार को आपके दरवाजे तक पहुंचाने के लिए संकल्पित रहे हैं। बहुत सारी चुनौती इस राज्य में है, बहुत सारी विषयों पर काम करने की आवश्यकता है, चाहे वो किसानों के लिए हो, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हो, हमारे आने वाले नौजवानों के स्कूलों के विषय की बात हो, चाहे हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार को लेकर बात हो, चाहे राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, चाहे वो राज्य में आधारभूत संरचनाओं को, सभी क्षेत्रों में काम करने की आवश्यकता है। आप देख रहे हैं वर्तमान केंद्र सरकार की नीतियों के वजह से किस तरीके से रोजगार दिन ब दिन घट रहे हैं, छोटे मझोले उद्योग बंद होते जा रहे हैं, बड़े पैमाने पर उद्योग जो छोटे मझोले हैं वो देश छोड़ के बाहर निकल रहे हैं,